Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. If the electric potentials at two points A and B are 2 volt and 4 volt respectively, then find the work need to move a 8 micro coulomb charge from A to B. मतलब हमें यहाँ पर अभी वर्क निकालना है और हमारे पास जो गिवन डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ. यहाँ पर पोटेंशियल एट ए लोकेशन पर पोटेंशियल है 2 वोल्ट का, बी लोकेशन पर पोटेंशियल है हमारा 4 वोल्ट और चार्ज है क्यू विच इज 8 माइक्रो कूलम. इसको हम कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 8 × 10⁻⁶ कूलम और हमें फाइनली यहाँ पर वर्क निकालना है. तो ये वर्क निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन पोटेंशियल दैट मीन्स VV - VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज. तो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है हम उसको रख देते हैं. तो VV की जगह हमने रखा 4 - 2 इज इक्वल टू W बाय चार्ज और चार्ज की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁶. ये पूरा फर्दर सॉल्व होगा तो यहाँ से हमें वर्क जो मिलेगा हो जाएगा 2 × 4 - 2 और ये वाली वैल्यू हम यहाँ ले जाएंगे तो 2 × 8 × 10⁻⁶. सो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा W = 2 × 8 = 16, दैट मीन 16 × 10⁻⁶ और वर्क की यूनिट होती है जूल. सो दिस इज आर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. I hope you understand the explanation. Thank you.